हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीसीटी हेड या सीसीटी हेड की फिल्म बनाने का क्या स्टेप होता है, क्या तरीका होता है, क्या चीज़ें फिल्म पर दिखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमने सीखा था एनसीसीटी हेड में पोजीशनिंग करना, कि सीटी स्कैन मशीन पर पेशेंट की पोजीशन करने का क्या तरीका होता है। सेकेंड स्टेप हमने सीखा था कि एनसीसीटी हेड किस तरीका से किया जाता है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। उसके बाद आज हम इस तीसरे वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि आप एनसीसीटी हेड या सीसीटी हेड की फिल्म किस टाइप से बनाएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये ह्यूमन ब्रेन है। जब आप इसका सीटी स्कैन करते हैं, या वो एक्सेल इमेज हो या कॉर्नल इमेज हो, तो उसको देखना पढ़ना का जो तरीका है वो यही होता है कि ये दो टाइप से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये जर्नल अनाटमी की पिक्चर है, यही आपको रियल रेडियोलॉजिकल अनाटमी में देखना है। इसलिए मैं पहले जर्नल अनाटमी की पिक्चर दिखाता हूँ, तभी तो आप रेडियोलॉजिकल इमेज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब तक आपको नॉर्मल अनाटमी में ही नहीं पता होगा तो रेडियोलॉजिकल अनाटमी में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बताना। तो देखिए दोस्तों, जो व्हाइट है ये व्हाइट दिख रहा है और जो ग्रे मैटर वो ग्रे है। अब इसको देखते हैं रेडियोलॉजिकल इमेज में कैसे दिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दोनों पिक्चर ये एमआरआई की पिक्चर हैं। आपको समझाने के लिए मैंने अभी इस पे लगा दिया। देखिए, ये जो व्हाइट मैटर है ये व्हाइट दिख रहा है और जो ग्रे मैटर ग्रे। ऐसा ही डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए फिल्म पे, सीटी स्कैन की फिल्म पे ऐसा ही डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, ग्रे व्हाइट मैटर डिफ्रेंसिएशन। लेकिन ये सीटी स्कैन में रिवर्स हो जाता है, जो व्हाइट है वो ग्रे दिखता है, जो ग्रे है वो व्हाइट दिखता है। देखिए, देख रहे हैं आप, जो ग्रे मैटर, जो व्हाइट मैटर था वो देखने में आपको डार्क लग रहा है यहाँ पर, और जो ग्रे मैटर था वो देखने में व्हाइट लग रहा है। देखिए, यहाँ भी लिखा है मैंने, इसलिए ये जो व्हाइट मैटर है इधर डार्क दिख रहा है और जो ग्रे मैटर इधर व्हाइट दिखता है। तो सीटी स्कैन में जो व्हाइट मैटर है वो ग्रे दिखता है और जो ग्रे मैटर वो व्हाइट दिखता है, तो रिवर्स हो जाता है सीटी स्कैन में। और आपको ओरिजिनल देखना है तो एमआरआई की T1 पिक्चर में दिखाई देता है व्हाइट मैटर व्हाइट और ग्रे मैटर ग्रे। तो अभी हम बात करते हैं सीटी स्कैन की। तो ये सीटी स्कैन का पिक्चर है, तो इन दोनों में जैसे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है ना, अलग अलग दिख रहा है दोनों, ऐसे ही इस पिक्चर पर भी दिखना चाहिए। जब आप पेशेंट की फिल्म बनाएंगे ना, तो ये वाला विंडो जाएगा, ऐसे डिफ्रेंसिएशन दिखना चाहिए दोस्तों आपको। ऐसा नहीं आपको दिख ही नहीं रहा, वैसा आपने काला पीला करके इमेज बना दिया कि बन गया फिल्म। कट कॉपी पेस्ट करना तो मैं आपको 2 मिनट में अभी सिखाने वाला हूँ, इस वीडियो के एंड में सिखा दूंगा आपको फिल्म बनाना। लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा और आप अच्छे से इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। तो इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए दोस्तों पहले आपको जर्नल अनाटमी में पता होना चाहिए चीजें, उसके बाद आप रेडियोलॉजिकल अनाटमी में आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए, व्हाइट मैटर हो गया, ग्रे मैटर हो गया, तो इस टाइप से आपको फिल्म बनानी है। तो एक डिफ्रेंसिएशन तो ये हो गया व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, और आपको फिल्म पे क्या चीजें दिखनी चाहिए। अब ये पिक्चर देखिए, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना कलर, इसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले आपको ग्रे व्हाइट मैटर का डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, ये फिल्म पे ग्रे व्हाइट मैटर डिफ्रेंसिएशन दिखना चाहिए। उसके बाद आपकी पिक्चर में ये देख रहे हैं सारी चीजें यहां दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। ये बेसल गैंग्लिया के पार्ट हैं, ये आपकी पिक्चर में जो आप बना रहे हैं पेशेंट के लिए फिल्म, उसमें विजुलाइज्ड होना चाहिए। समझ लीजिए आप, है ना, जैसे यहां दिख रहा है, ये देखिए, यही है जेन्युइन, ये जेन्युइन विंडो है एनसीसीटी हेड की। और इसी टाइप से बनाएंगे आप सीसीटी हेड, ऐसे ही उस पर अच्छे से आपको ऐसे ही इस टाइप से विंडो बनाना है। और इसमें आप जब आप थ्योरेटिकल जाएंगे तो विंडो विड्थ और विंडो लेवल भी बताना होता है पिक्चर का, तो लेकिन मैं उसको सेटिस्फाइड नहीं हूं उससे। आपको रियल में देखना आना चाहिए पिक्चर पे। तो मैं आपको बता दूंगा कि विंडो लेवल 60 रख लो, 70 रख लो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जेन्युइन जो पिक्चर, जिस चीज के लिए आप सीटी स्कैन कर रहे हैं, जिस पार्ट का आप स्कैन कर रहे हैं, वो फिल्म पे दिख जाए, बस आपकी फिल्म बिल्कुल 101% करेक्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, ये विंडो आना चाहिए आपका। जब मैं मशीन पे बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि देखो अब ये ठीक नहीं है, अब ठीक है, अब ठीक है, ऐसे कर करके। तो
मैं अगर डायरेक्ट आपको फिल्म बनानी सिखा देता तो आप समझ नहीं पाते मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर डिफरेंशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया इन द एनसीसीटी हेड एंड सीसीटी हेड। तो आज हम सीखेंगे एनसीसीटी हेड एंड सीसीटी हेड की सॉफ्ट टिश्यू फिल्म। दोस्तों इसको सॉफ्ट टिश्यू विंडो बोलते हैं, जो विंडो आप देख रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू विंडो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू विंडो? क्योंकि इस पर सॉफ्ट टिश्यू दिख रहा है ब्रेन का, ये ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू ही तो होता है, तो इसका सॉफ्ट टिश्यू हम देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू विंडो। इसकी एक विंडो और बनती है बोन विंडो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बोन विंडो का आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे आज हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन द रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, कि व्हाइट मैटर डिफरेंशिएशन, ग्रे मैटर डिफरेंशिएशन एंड बेसल गैंग्लिया आइडेंटिफिकेशन। तो इतनी चीजें आपको नॉर्मली फिल्म बनाने के लिए आना चाहिए। तो अब हम सिखाएंगे आपको सिंगो सॉफ्टवेयर पे, सीमेंस के सिंगो सॉफ्टवेयर पे आप फिल्म किस टाइप से बनाएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अब हमें सीखना है एनसीसीटी हेड की फिल्म मशीन पर किस टाइप से बनाई जाती है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं सीमेंस की मशीन पर। देखिए सबसे पहले आप इधर देखेंगे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे वीविंग लिखा हुआ है, ये फिल्मिंग एंड 3D। जब आप फिल्मिंग बनाना होगा तो आप फिल्मिंग पर क्लिक करेंगे और आपको ये फिल्म सीट ओपन होके आ जाएगी, लेकिन इस पर आपको इमेज कहाँ से डालना है, पेशेंट ब्राउज़र आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों कभी भी किसी भी पेशेंट की डायरेक्ट फिल्म नहीं बनाना चाहिए, फिल्म बनाने से पहले आपको उस फिल्मिंग को वीवर पर देखना होगा। तो सबसे पहले आप वीविंग पर जाएंगे, ये वीविंग है, वीवर है ना, ये वीवर है। इस पर हम पेशेंट के ब्राउज़र, ये देखिए यहाँ पे पेशेंट लिखा हुआ है, पेशेंट पर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र पर जाएंगे, ये ब्राउज़र, ये पेशेंट का डाटा आ गया कि किस पार्ट का हमने कौन कौन सा स्कैन किया हुआ है, पेशेंट का नाम क्या है। तो आज हमें सीखना है एनसीसीटी हेड की फ़िल्म करना। तो सबसे पहले हम जिस पेशेंट की फ़िल्म बनानी है उस पेशेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको सिखाता हूँ एनसीसीटी हेड की फ़िल्म बनाने का क्या क्या तरीका होते हैं। देखिए ये देखिए ये पेशेंट के नाम पे आप सेलेक्ट कर लिया, इसका हेड हुआ है, ये सीरीज होती है। दोस्तों आपको ब्राउज़र पढ़ना आना चाहिए है ना, ब्राउज़र भी देख लीजिए यहाँ पे आप। देखिए ये सबसे पहले पेशेंट का स्काउट आया था, उसके बाद आपने एनसीसीटी हेड किया, ये रिकंस्ट्रक्शन की इमेजेस हैं। मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा कि हाउ टू डू सीटी स्कैन, तो अब एक नया वीडियो आएगा हाउ टू डू सीटी रिकंस्ट्रक्शन, तो उसमें ये चीज़ बताऊंगा मैं कि सीटी का इमेज का रिकंस्ट्रक्शन किस टाइप से किया जाता है। उसके बाद हमने सीसीटी हेड किया। तो सबसे पहले हम पेशेंट की स्टडी करेंगे, ब्राउज़र पे देखेंगे पेशेंट को। देखिए ये स्काउट है, ये एंटर कर, जब आप एंटर करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, इमेज ओपन हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, इमेज को ओपन होने के बाद ये इमेज आपको फिल्म सीट पर पहुंचाना होता है, शिफ्ट करना है। तो कीबोर्ड में एक बटन होता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये माउस यहाँ पर भी एक ये की बना हुआ है, यदि इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्काउट आपका फिल्म पर चला जाएगा, ये देखिए ये स्काउट आपका फिल्म पर आ गया, आ गया ना स्काउट फिल्म पर। उसके बाद अब हम जो इस पेशेंट का जो हमने स्कैन किया उसको देखना है। ये सबसे पहले हमने स्कैन सीसीटी हेड किया था, एंटर करो, एंटर जैसे आप करेंगे इसकी जो सीरीज है, जो स्कैन हुआ है वो स्कैन ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, ये देखिए ये स्कैन है, ये एनसीसीटी हेड की पिक्चर है, इमेजेस हैं एनसीसीटी हेड की, और उसका हम ये सबसे पहले आपको इमेज आपकी बिल्कुल 90 डिग्री पर होनी चाहिए, ये थोड़ा टिल्ट है, देखिए इमेज को जब आप इमेज में जाएंगे तो रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, रोटेट यहाँ पे आप रोटेट करेंगे इसको, ये देखो रोटेट कर लिया आपने, और थोड़ा सा कैमरा डाउन करते हैं, ठीक दोस्तों इमेज रोटेट कर लिया। अब आपको इमेज बनाने से पहले, फिल्म बनाने से पहले इस इमेज को देखना है, इसमें क्या फाइंडिंग है, स्कैन ठीक हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है जल्दी इस फिल्म बना दिया,
आप स्कैन की स्टार्ट लोकेशन को देखेंगे यहाँ से, है ना, ये मेड्यूला होता है, मेड्यूला, यहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, ये बेसिक है, ये बेस ऑफ स्कल है, एनसीसीटी हेड का बेस ऑफ स्कल की पिक्चर है, ये मेड्यूला है, मेड्यूला से स्टार्ट हो जाता है ब्रेन, तो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ से स्टडी करते हैं ब्रेन की। अभी हम कोई फाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, अपना स्कैन देख रहे हैं कि स्कैन ठीक हुआ है नहीं हुआ। देखिए, देखते जा रहे हैं हम, है ना, इमेज को देखना पहले ज़रूरी है। ये देखिए पूरा पिक्चर आपने देख लिया, ये देखिए एंड लोकेशन तक आप अपना पिक्चर देखेंगे, ये आपका स्कैन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फिनिश हो गया स्कैन, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप पेशेंट की फिल्म कर रहे हैं, कोई फोटो नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप गलती नहीं कर सकते, मेडिकल फील्ड है, ठीक है। ये देख लिया, अब बनाते हैं फिल्म। देखिए ये आपने फिल्म देख लिया, अब आपको ग्रे वाइट मैटर डिफ्रेंसेशन जो मैंने बताया था वो सेट करना है। देखिए यदि आप इसको ऐसे बना देंगे, ये इसको बोलते हैं फ्लैट, ये विंडो क्या होगी, फ्लैट विंडो होगी, इस पर जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये आपकी विंडो बिल्कुल बेकार है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सेट करते हैं, ये देखिए धीरे धीरे सेट मैंने करा है। अब देखिए ये जो वाइट मैट, ये जो वाइट मैटर था ये, और जो ग्रे मैटर था, ये डिफ्रेंसेशन हो रहा है ना, ये देखिए कोशिश करिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे विंडो आपकी चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए समझ लो इसको, ये रटा नहीं रहा हूँ मैं कि इतना ही करना है, चीज़ों को डायग्नोस करो आप, एनाटॉमी को डायग्नोस करो। देखो इस विंडो पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, अब देखो धीरे धीरे जाओ, ये देखो डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हुआ ना, ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन आया ना, ये आ गया ना। अब देखिए ये बेसल, ये है बेसल गैंगलिया, ये देखो ये थैलेमस थे यहाँ पे, है ना, ये कॉडेट न्यूक्लियस था, ये पुटामेन थे, है ना, ये दोनों तरफ होते हैं, और ये आपके वेंट्रिकल्स हैं। जब मैं आपको अनाटमी पढ़ाऊंगा तो अनाटमी भी दोस्तों आपको सिस्टमेटिक तरीके से अनाटमी पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि ये याद कर लो ये वेंट्रिकल है ये है, नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको सीटी स्कैन सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो सेट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये देखिए पूरा आपका विंडो बिल्कुल अच्छे टाइप से बिल्कुल, देखो ये। अब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए या कोई दूसरा बंदा आपसे बोलता है आपकी फिल्मिंग से सेटिस्फाइड नहीं था, आप उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या गलत है, मेरा ये वाइट मैटर भी दिख रहा है डिफरेंसेशन और ग्रे मैटर डिफरेंसेशन भी दिख रहा है और यही दिखना चाहिए फिल्म पे, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जितनी भी इस सीरीज में जो पिक्चर थी इनको हम सेलेक्ट सीरीज करेंगे और इस वाले की से फिल्म पे पहुंचा देंगे, ये देखिए फिल्म सीट पे, अब ओपन करेंगे फिल्म सीट, ये आ गई फिल्म। अब आपको यहाँ से, अब ये कुछ नहीं है, अपना दिमाग खुद लगाइए, जितनी इमेज हैं उतने ही का फॉर्मेट आपको सेट करना है। देखिए ये मैक्सिमम 25 इमेजेस होंगे, ये देखिए ये स्टार्ट लोकेशन से और ये वाली जो पिक्चर है ये वेस्ट है ना, क्योंकि इसमें ब्रेन नहीं दिख रहा ना इसमें, आप देखो ये देखिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये तो आपको कंप्लीट करना होगा, या तो एक दो इमेज आप कॉपी करेंगे या फिर इस फॉर्मेट को कम करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मेटिंग कम करता हूँ, फॉर्मेट लेता हूँ मैं 4:5, ये देखिए दोनों तरीके बताऊँगा आपको, ये 4:5 कर लिया मैंने, ये देखिए। अब मेरे पास जो स्टार्ट लोकेशन, जो ब्रेन की जो स्टार्ट लोकेशन, उसकी तीन पिक्चर हैं, पिक्चर नंबर वन मतलब इमेज नंबर वन, इमेज नंबर टू एंड इमेज नंबर थर्ड। तो यदि आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए, यदि आप इमेज को कट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पार्ट का एनाटॉमी पता होना चाहिए और पैथोलॉजी। अब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि मैं रटा नहीं सकता कि फिल्म ऐसे ही बनेगी, यहाँ से बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है। इस फिल्म को बनाने के लिए आपको पढ़ना होगा, इस आपने पोजिशन एक दिन में सीख लिया, स्कैन करना एक दिन में सीख लिया, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी स्टडी करेंगे और कैसे फिल्मिंग करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको जो कट कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट लोकेशन है दोस्तों, हमेशा इमेज की जो स्टार्ट लोकेशन है ये बेसल गैंगली उससे होनी चाहिए, सॉरी मेडुला से, ये देखिए ये मेडुला की फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लोकेशन है। एनसीसीटी हेड की फिल्म या सीईसीटी हेड की फिल्म यहीं से बनेगी, हर जगह यहीं से बनती है मेडुला, और एंड हो जाएगी वर्टेक्स पर, ये यहाँ पर वर्टेक्स है। अब देखिए ये जो पिक्चर बची है, यदि इसमें फाइंडिंग है,
यदि इस वाली पिक्चर में कोई फाइंडिंग है तो आपको देनी होगी, वरना नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, आपको इमेज को जूम करना है। सेलेक्ट स्विच करो। जूम करने का एक सिंपल स्टेप है, जो इमेज की जो मिड सेंटर की जो इमेज है आप उसको जूम कर दीजिए बस। ये देखिए जूम कर, ऐसा नहीं है एक एक इमेज को जूम कर रहे हैं। जब आपने मिड की जो इमेज है, मिड सेक्शन आपने सेंटर में कर दिया, तो ऑटोमेटिक सारी इमेज ही सेंटर हो जाएंगी। देखिए मैंने ओनली अभी वन क्लिक करा है, वन क्लिक करने पर ही आपकी इमेज पूरी सेंटर है। फिर आपको राइट का सेंटर देखना और लेफ्ट, ऐसा नहीं है ध्यान नहीं दिया यहीं पर प्रिंट कर दिया, नहीं यहाँ प्रिंट कर दिया, नहीं। क्वालिटी होनी चाहिए ना आपके काम में, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सेंटर पे आप प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हो गया। अब आप स्काउट को सेट करेंगे, ये देखिए ये स्काउट हो गया। स्काउट पर रेफरेंस इमेजेस भी देना होता है, तो टेक्नीशियन पे डिपेंड करता है कि वो उस पर रेफरेंस इमेज देना चाहता है या नहीं देना चाहता। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें रेफरेंस इमेज नहीं दिया है तो आप रेफरेंस इमेज नहीं दोगे, मतलब इस पर लाइनिंग दिखती हैं जो स्कैनिंग किया हुआ है, तो आप दे भी सकते हैं। इसमें कोई ये कॉपी पेटेंट नहीं है कि ऐसे ही फिल्मिंग होगी, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन जो स्टार्ट और एंड लोकेशन, ये कॉपी पेटेंट है, हर जगह स्टार्ट लोकेशन से एंड लोकेशन तक ही फिल्म बनाना है आपको। तो ये हो गया फिल्म, एनसीसीटी हेड का फिल्म डन है। आपको ग्रे वाइट मैटर और बेसल गैंग्लिया का डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ये एक फिल्म होगी एनसीसीटी हेड की फिल्म। अब बनाएंगे इसी पेशेंट की सीसीटी हेड, तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। अब बनाएंगे सीसीटी हेड की, तो ये जो सीसीटी हेड है इसको भी आपको वीविंग करना है पहले। ये डायरेक्ट फिल्म पे भी चला जाता है लेकिन वो गलत है। आप इमेज को देखिए पहले, है ना, डायग्नोस करो इमेज को, देखो अच्छे से कि उसमें फाइंडिंग क्या है, किस लिए फिल्म बना रहे हैं, क्या पर्पज है, पेशेंट की जो डिजीज़ है वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, आपने किस लिए उस पेशेंट की जांच करी है, वो कुछ फाइंडिंग आ रही तो आप उसको फिल्मिंग पे दिखाइए पैथोलॉजी को ना। अब देखो इमेज सीधी नहीं है तो इसको सबसे पहले रोटेट करेंगे, है ना। क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों काम में। देखो ये देखिए ना, ये देखिए, ये आपका सीसीटी ब्रेन है, ठीक है। अभी सीसीटी किस लिए है, इसमें कॉन्ट्रास्ट विजुलाइज्ड हो रहा है इसलिए सीसीटी है, ठीक है। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट है, जब डिफ्रेंसिएशन एनसीसीटी और सीसीटी का चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ठीक है, पिक्चर हमने देख लिया। अब ये नॉर्मल है जो मुझे लग रहा है, मेरा आईडी से नॉर्मल स्कैन है, तो मैं अब इसकी फिल्मिंग बनाऊंगा। ये मैंने विंडो सेट कर लिया, ग्रे वाइट मैटर अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, देखिए। और ये बेसल गैंग्लिया, देखो ये बेसल गैंग्लिया अच्छे से विजुलाइज्ड हो गया। अब आपने अपनी फिल्म ट्रांसफ़र कर दिया फिल्म सीट पर, ये देखिए वही फॉर्मेट। इसमें कन्फ्यूजन ये होना है सर, कितने का फॉर्मेट लें, कितनी इमेज दूँ। पेस जहाँ से आपने स्टार्ट स्कैन करना है और जहाँ पे एंड कराया वहाँ तक की सारी पिक्चर जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए 4:5, और ये मेरा इमेज सेक्शन निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल दिया। ये ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं निकाल दिया मैंने, पहले देखना है नॉर्मल है तभी निकालेंगे, फाइंडिंग है तो नहीं निकालना है, क्योंकि हम फोटो बनाना नहीं सीख रहे ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी सीसीटी हेड की फिल्म है, ये फिल्म कंप्लीट होगी। अब इसमें जो स्टेप मैंने फॉलो करे थे, दूसरा टेक्नीशियन किसी दूसरे टाइप से भी बना सकता है, काफ़ी ऑप्शन है इसमें, आप देखिए बता देता हूँ वो भी ऑप्शन। लेकिन जो इसमें जो हर जगह काम होता है, जो थियोरटिकल है, वो क्या है कि बेस ऑफ स्कल से वर्टेक्स तक फिल्म बनेगा, और इमेज का जो ऑर्डर है ना वो ये ही होगा। ये इमेज का ऑर्डर मतलब बेस ऑफ स्कल से वर्टेक्स तक फिल्म बनेगी। आपने कहीं कहीं देखा होगा फिल्म को ऐसे बना देते हैं, देखिए मतलब अपनी मर्जी चल रही है कि बस बना दो कैसे भी, ये लो इस टाइप से बना देते हैं। आप नोटिस करना, मिलेगा कहीं ना कहीं आपको जरूर। इधर से फिल्म बना देते हैं ऐसे। जो टेक्नीशियन
जो टेक्नीशियन भाई हैं, जो टेक्नीशियन से डॉक्टर बन चुके हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट बन चुके हैं, वो ऐसे बना देते हैं फिल्म, क्योंकि हम तो टेक्नीशियन हैं, ऐसे बना देते हैं कि नहीं ऐसे ही बनेगी। क्यों बनेगी ऐसे? देखो, ऐसे इसलिए नहीं बनेगी, जब भी किसी पार्ट की आप अनाटमी पढ़ेंगे तो स्टार्ट लोग ऐसे से तो पढ़ेंगे, तो ब्रेन दोस्तों बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है, ना कि वर्टेक्स से। इसलिए जो फिल्म का ऑर्डर है गलत है। आप बुक में देखिए, गूगल पे देखिए, किसी भी कंटेंट को आप पढ़ के देख लीजिए, तो ये ऐसे ही बनेगा। जो टेक्नीशियन डॉक्टर बन चुके हैं, रेडियोलॉजिस्ट बन चुके हैं, उनसे आप कुछ कह नहीं सकते ना। ये देखिए, ये आपका फिल्म बन गया। अब नोटिस करो इस फिल्म में क्या चीज़ गलत है। देखो, मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, मैं किसी और पर्पस से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ ये। और जिस भी स्टूडेंट्स भाई को ये इससे कोई समझ में आता है कोई भी चीज़ें, तो आप नोट करिए, सीखिए इसमें क्या गलत है। इसमें इमेज का जो ये है ना, ये रोटेशन ठीक नहीं है और इमेज की क्वालिटी बेकार है। तो सबसे पहले आप इमेज को रोटेट करेंगे, ये रोटेट हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे देखिए। अब इसमें कट कॉपी पेस्ट में क्या सिखाना है, दो बार आप बनाएंगे सीख जाएंगे, लेकिन सीखना क्या है एनाटॉमी पैथोलॉजी का। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप फिल्म बनाएंगे, NCCT हेड हो या CCT हेड की फिल्म हो, तो आपको सारी चीज़ें इसमें मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो होगा बोन विंडो के लिए, कि बोन विंडो किस टाइप से बनाई जाती है, रियल बोन विंडो में क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज ये फिनिश हो गया NCCT हेड का जो चैप्टर था, जो स्कैनिंग थी, आज हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके लिए HRCT चेस्ट। थैंक यू।